कितना आएगा स्टूडेंट, 3 x रेज टू पावर 3 माइनस 1
minus 2 derivative of x with respect to x 1 derivative of constant term is always 0 you have 5 x cube minus 2x minus 1 raised to power 4 3 3 minus 1 यानि x square minus कितना है ये तो बैकेट में बदल दिया 2 हो गया ये तो ये टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ 5 ये क्या आ गया dy by dx ठीक है ना 5 ये टर्म पहले लिख रहा हूँ 3x square minus 2 और ये लास्ट में लिख रहा हूँ x cube minus 2x minus 1 raised to power तो ये हो गया स्टूडेंट्स एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन ठीक है इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेना उसके बाद आप इसको ले सकते हो ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये फॉर्मूले भी लिख लेना आप क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इसको भी मैं y से कंसीडर कर रहा हूं y इक्वल टू 2 x रेस टू पावर 3 बाय 2 माइनस 3 x रेस टू पावर 4 बाय 3 माइनस 5 और उसके पावर में 5 बाय 2 एग्जांपल देखने में डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन बहुत सिंपल है एकदम अगर आपको डेरिवेटिव फॉर्मूले आते हैं तो फर्स्ट मैं क्या लिख रहा हूं सेम सभी इसमें लिखना है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एग्जांपल आपको जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन को y इक्वल टू के फॉर्म में लिख लो आफ्टर दैट उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ y क्या आता है स्टूडेंट dy by dx और यहां पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 2x रेस्ट टू पावर 3 बाय 2 माइनस 3x रेस्ट टू पावर 4 बाय 3 माइनस 5 रेस्ट टू पावर 5 बाय 2 We know that the formula of xn. What is the formula of xn? nx n minus 1. तो यहाँ पे आपको xn का पहले formula. मैं अगर इस पूरे term को x consider कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो x raised to power n. बराबर है ना? उसके बाद उसका derivative. तो क्या आएगा? nx n minus 1. तो 5 by 2 पहले आ जाएगा. Into 2x raised to power 3 by 2 minus 3x raised to power 4 by 3 minus 5 raised to power. अभी देखो. n x n minus 1 यानि 5 by 2 minus 1 into derivative of composite function है स्टूडेंट हमारा ये composite function में ये f of x है इसका derivative आएगा f dash of x तो मुझे इसका derivative लेना पड़ेगा derivative of 2x raised to power 3 by 2 minus 3x raised to power 4 by 3 minus 5 तो देखो स्टूडेंट ये क्या है मिल गया मुझे 5 by 2 2x raised to power 3 by 2 minus 3x raised to power 4 by 3 minus 5. We know that 5 by 2 minus 1 कितना आता है? Cross multiplication 5 minus 2 यानी 3 by 2. अभी दो function का addition subtraction है. तो उसका derivative theorem 1 और theorem 2 में हमने पढ़ा था. उसको separately लिख दो. Derivative of 2x raised to power 3 by 2 minus 3 into derivative of x raised to power 4 by 3 minus derivative of constant term 5 ये यहाँ पे स्टूडेंट ये 2 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ठीक है ना क्योंकि कांस्टेंट नंबर है तो ओनली डेरिवेटिव ऑफ x raised to power 3 by 2 ये आ जाएगा देखो नेक्स्ट स्टेप में 5 by 2 2x raised to power 3 by 2 minus 3x raised to power 4 by 3 minus 5 ये 3 by 2 ऐसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स उसके बाद देखो यहाँ पे 2 into x raised to x n का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 by 2 x raised to power 3 by 2 minus 1 है x raised to power 3 by 2 minus 1 यानी 1 by 2 minus 3 into x raised to power 4 by 3 यानी 4 by 3 x raised to power 4 by 3 minus 1 है 4 by 3 minus 1 यानी 1 by 3 और ये तो 0 आ गया स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0 तो मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं एज इट इज dy / dx इक्वल टू 5 by 2 2x raised to power 3 by 2 minus 3x raised to power 4 by 3 minus 5 raised to power 3 by 2 अभी देखो यहां पे 2 2 कैंसिल 2 2
कैंसल, तो आएगा 3x रेस टू पावर 1 बाय 2 माइनस हियर 3 कैंसल 4x रेस टू पावर 1 बाय 3 हो गया स्टूडेंट। उसको लास्ट में ऐसा लिख दो dy बाय dx इक्वल टू ये टर्म मैं लिख रहा हूं मैं 3x रेस टू पावर 1 बाय 2 माइनस 4x रेस टू पावर 1 बाय 3 और ये आ जाएगा पहले 5 बाय 2 और ये टर्म बाद में लिख लो 2x रेस टू पावर 3 बाय 2 माइनस 3x रेस टू पावर 4 बाय 3 माइनस 5 और उसके पावर में 3 बाय। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा ये दो एग्जांपल स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए सिंपल है। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह ये टर्म है तो मुझे उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ये आपको होमवर्क है, आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल फिफ्थ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकल के आप रख लो या अदरवाइज पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा एक बार प्रैक्टिस अगर कर रहे हो आप कॉन्सेप्ट क्लियर आ गए तो बार बार आपने वो एग्जाम की लिख के दे देगा तो भी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा। देखो थर्ड होमवर्क दिया है, फोर्थ वाला एग्जाम्पल देख लो क्या दिया है। फोर्थ एग्जाम्पल में उसको मैं वाई से कंसिडर कर रहा हूँ, वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मुझे लिखना है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी स्टूडेंट आप सभी को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आता है 1/2 रूट एक्स आता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स मान होता है इसमें हम लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पे इस एक्स के पूरे एक्स की जगह क्योंकि हमारा एक कंपोजिट फंक्शन है स्टूडेंट, इस पूरे एक्स की जगह क्या है ये टर्म है, इसे इसका अगर मैं जब डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स की जगह ये पूरी टर्म आएगी एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू दो फंक्शन का एडिशन है इसको सेपरेट लिखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एक्सएन फार्मूला 2x आता है और इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ अभी देखो रूट एक्स के लिए एक्स की जगह ये टर्म है इसलिए ये फार्मूला अप्लाई करूंगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू कंपोजिट फंक्शन है इसलिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में ये लिख रहा हूं मैं dy / dx 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद 2x प्लस 1/2 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है स्टूडेंट जिसका डेरिवेटिव कितना आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 0। तो नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ ही जाएगा यहां पे 2 और यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2x प्लस 2 कैंसिल तो यहां पे आता है x / x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, मैं आगे उस साइड लिख रहा हूं
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो ये तो टर्म सेम आएंगे स्टूडेंट्स, dy / dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस में इसके अपॉन में कौन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आएगा ये, आएगा 2x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अभी इसको मैं और सॉल्व नहीं कर सकता हूं, यहां से ज्यादा ज्यादा x कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक तो आप एग्जांपल यहां पे भी लिख लो 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस x अपॉन रूट x प्लस 1 यहां पे भी लिख लो, अदरवाइज बाद में भी आप लिख सकते हो, तो इसको आप फोर्थ वाले एग्जांपल को स्टूडेंट्स लिख लो आप, उसके बाद हम फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला एग्जांपल देखते हैं, लिख लो आप इसको या स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5, उसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूं, y इक्वल टू 3 अपॉन 5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और उसके जो होल पावर में है या इसके पावर में है 5। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होगा कि अगर मैं रूट x लिख रहा हूं तो ये आता है x रेस्ट पावर 1/2 और क्यूब रूट x है स्टूडेंट तो ये आता है x रेस्ट पावर 1/3। ठीक है, वैसे ही यहां पे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/5 इंटू 1 अपॉन ये x है मेरा, ठीक है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, अभी यहाँ पे उसका क्यूब रूट है ये 3, तो क्यूब रूट ऑफ x कैसे लिखते हैं x रेस्ट पावर 1/3, लेकिन इसके इसके पावर में भी 5 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यस यहाँ पे मैं लिखूंगा 5/3। ठीक है, अभी अभी मुझे xn का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो xn के फॉर्मूला यूज करने के पहले मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो अगर मैं डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ तो इसका जो पावर है उसमें साइन चेंज होता है स्टूडेंट, ये आपको पता है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 5/3 पावर के लिए आऊंगा माइनस 5/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, और फिर इसको आप सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3/5 इनटू, यहां पे xn का फार्मूला यूज करना है तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट, यहां पे लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा डिफरेंशिएट ऑफ y dy/dx और यहां पे डेरिवेटिव ऑफ 3/5 तो कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट वो पहले आ सकता है, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस्ट टू पावर माइनस 5/3। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 3/5 एज इट इज आ जाएगा, xn का फार्मूला यहां पे मैं लिख सकता हूं 5/xn यानी क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ xn यानी xn माइनस 1 तो ये आएगा माइनस 5/3 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और यहां पे आएगा 5 माइनस 5/3 माइनस 1 तो यहां पे 5/5 कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, 3/3 भी कैंसिल हो रहा है, यहां पे आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इंटू स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया है क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है ना, इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x 2x * 2 4x, डेरिवेटिव ऑफ 7x 7, डेरिवेटिव ऑफ 5 0। ओके स्टूडेंट, ये 0 आ गया, तो आंसर क्या बनेगा इसका, माइनस ये पहले लिख रहा हूं मैं 4x माइनस 7 और ये बाद में लिख रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और यहां पे dy/dx।
तो ये हो गया स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 5 का, ठीक है। अगर कुछ डिफिकल्टी आती है आपको समझने में फिर आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल। उसके बाद हम 6 वाला एग्जांपल देखते हैं। 6 वाला एग्जांपल, तो 6 वाला एग्जांपल मैं इसपे ज्यादा लाइनगी, इसका आप पॉज करके लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। देखो स्टूडेंट क्या दिया है 6 वाला एग्जांपल। y इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर 5। पहले आप इसको xn का फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो स्टूडेंट पहले, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy / dx, और यहां पे भी आएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5। अभी देखो स्टूडेंट यहां पे इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 लिखो, या फिर इसका डायरेक्ट रूट एक्स का फॉर्मूला यूज करके डेरिवेटिव फाइंड कर लो। दोनों तरीके से एक ही है, ये पूरी टर्म x रेज टू पावर कंपोजिट फंक्शन है, ये पूरी टर्म x की है, तो x रेज टू पावर 5 का फॉर्मूला x का फॉर्मूला क्या आएगा 5 3x माइनस 5 रूट में माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 n nx n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5। तो देखो सुन यहां पे क्या मिलेगा मुझे 5 ये एज इट इज आएगा रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर 4। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यूजिंग xn फार्मूला, पहले आप इसको सेपरेटली लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस, अभी इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है स्टूडेंट, 1 अपॉन रूट एक्स का नहीं है ना, बराबर है, इसको मैं पावर में लिख रहा हूं, तो ये आएगा, अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक स्टेप आप समझाने के लिए मैं एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं, रूट ऑफ 3x माइनस 5, रूट ऑफ 3x माइनस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूं माइनस, अभी देखो 3x रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 है, ये टर्म डिनोमिनेटर में है, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे 3x माइनस 5 रेज टू पावर माइनस 1/2, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में टर्म थी, तो 5 रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर एंटर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ काम नहीं है 3x माइनस 5 रेज टू पावर 4। इसका डेरिवेटिव सेपरेटली आप लिख सकते हो स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर माइनस 1/2, तो ये टर्म तो सेम ही आ जाएगी स्टूडेंट, रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ xn 1/2 3x माइनस 5 1/2 माइनस 1 कितना होगा स्टूडेंट्स माइनस 1/2, और डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 डेरिवेटिव ऑफ 5 0 माइनस, यहां पे भी यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट xn का फार्मूला माइनस 1/2 3x माइनस 1 3 सॉरी 3x माइनस 5 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 3/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 डेरिवेटिव ऑफ 5 0 हो गया ये। उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं मैं dy / dx इक्वल टू 5, ये टर्म तो एज इट इज आएगी स्टूडेंट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ
3x माइनस 5 रेज टू पावर 4। देखो 3x माइनस 5 रेज टू पावर माइनस 1/2 है, बराबर है ना, माइनस 1/2। इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं तो ये क्या मिलेगा, और ये 3 यहां पे लिख रहा हूं 3/2 3x माइनस 5 रेज टू पावर माइनस 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहां पे भी देखो 3/2 3x माइनस 5 रेज टू पावर माइनस 3/2 है, उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे 1/3x माइनस 5 रेज टू पावर यहां पे आएगा स्टूडेंट 3/2। ओके तो देखो 3/2 और ये 3/2, मैं 3/2 कॉमन ले सकता हूं, 3/2 अगर मैंने कॉमन लिया तो 5 3 15 और ये 2 कॉमन 15/2 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x-5 रेज टू पावर 4। ये 3/2 ये 3/2 मैंने कॉमन लिया स्टूडेंट्स, देखो अभी क्या बचा है, यहां पे बचा 1/3x रेज टू पावर 1/2 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 प्लस 3/2 चला गया यहां पे 1 यहां पे आ गया 3x माइनस 5 इनटू 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2। आप बोलोगे सर यहां पे तो 3/2 था लेकिन आपने ये दो ब्रैकेट लिखा, देखो ना 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1 और 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 तो a रेज टू पावर m इनटू a रेज टू पावर n क्या आता है a रेज टू पावर m प्लस n, तो कांटा राइटिंग दिस वे 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अभी आप इसको एलसीएम मेथड से अगर सॉल्व करते हो ना स्टूडेंट्स, एलसीएम मेथड से ये तो सेम आएगा, पहले ये मैं लिख लेता हूं 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x-5 रेज टू पावर 4। अगर आप इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हो तो डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आएगा, हाईएस्ट टर्म ही आएगी ना 3x माइनस 5 इसका एलसीएम आएगा 3 रेज टू पावर 5 और 3x माइनस 5 रेज टू पावर 3/2 एलसीएम आएगा, क्योंकि ये 1/2 और इसका एलसीएम 1 तो कितना आएगा 3 रेज टू पावर 3/2 आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स तो मैं यहां पे अगर यहां पे वो मल्टीप्लाई करता हूं यहां पे वही टर्म लिखो जाएगा वही वही 3x माइनस 5 रेज टू पावर 3/2 एलसीएम कितना आ गया इसका 3x माइनस 5 रेज टू पावर 3/2, तो मैं 3x माइनस 5 रेज टू पावर 3/2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां से 3x माइनस 5 1/2 एक कैंसिल हो गया जाएगा, एक क्या मिलेगा मुझे ओनली बचेगा 3x माइनस 5 प्लस यहां पे 3x माइनस 5 रेज टू पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 1 अपॉन एलसीएम लिखना है 3x माइनस 5 रेज टू पावर 3/2 और उसमें कुछ समझ में डिफिकल्ट है तो पूछ लेना इसको, ठीक है सिंपल है इसका एलसीएम 3x माइनस 5 रेज टू पावर 3/2 आता है। तो ये हो गया स्टूडेंट 15/2 ये एज इट इज आएगा 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर 4 5 माइनस 5 प्लस 1 यानी 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 5 रेज टू पावर 3/2 ये हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर। इसको और आप सिंपलीफाई कर सकते हो 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1 इनटू ठीक है इसको सिंपलीफाई कर सकते हो 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1 और 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 तो 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 यानी क्या होता है ये आता है रूट ऑफ 3x माइनस 5। अगर आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह का आंसर दिया होगा तो लास्ट में आप लिख लेना अदरवाइज याद करके आंसर चलेगा ठीक है स्टूडेंट। तो 6 वाला एग्जांपल देख लो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इसके मैं 3 एग्जांपल बता रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो या फिर नोट डाउन करके रख लो उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 के हम 3 एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट है
y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला इस एग्जांपल में, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट्स जैसे अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, मैं इस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हमारा f(x) है, तो cos f(x) क्या आता है, माइनस साइन f(x) आता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ f(x) आता है, बराबर है ना। लास्ट लेक्चर में आपने कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले देखे होंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos f(x) क्या आता है, माइनस साइन f(x) इनटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहां पे आएगा पहले dy / dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos f(x). डेरिवेटिव ऑफ cos f(x) क्या आता है स्टूडेंट, माइनस साइन f(x), माइनस साइन f(x) into derivative of f of x। तो derivative of f of x क्या है हमारा, x square plus a square, तो minus sin x square plus a square as it is। यहाँ पे first theorem apply करना है, कौन सा, derivative of x square plus derivative of a square, तो minus sin x square plus a square। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x अकॉर्डिंग टू xn फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0, तो -2x मैं पहले लिख रहा हूं 2x sin x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां पर आएगा dy / dx, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो क्या है, y equal to root of e raised to power 3x plus 2 plus 5, e raised to power 3x plus 2 plus 5, ठीक है। सेम लिखना है आपको, डिफरेंशिएट y with respect to x। अभी हमारा ये root of f of x है स्टूडेंट, we know that the formula of root of f of x 1 upon 2 root of f of x into derivative of f of x, हमारा f of x ये है, इसका मुझे derivative find करना पड़ेगा, तो derivative of y यानी dy / dx into derivative of this function e raised to power 3x plus 2 plus 5। तो derivative of root x क्या आता है students, 1 upon 2 root of e raised to power 3x plus 2 plus 5, ओके, into derivative of f of x, लेकिन हमारा f of x कौन है, हमारा f of x e to the power 3x plus 2 plus 5 है, तो 1 upon 2 root of e raised to power 3x plus 2 plus 5, इसका derivative इसको separate दिया, आप लिख सकते हो, e raised to power 3x plus 2 plus derivative of 5, derivative of this constant number 0 आता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया dy / dx 1 upon 2 root of e raised to power 3x plus 2 plus 5, derivative of e into the power x क्या आता है, e to the power x ही आता है, लेकिन x के जगह ये टर्म है, इसलिए 3x plus 2 का derivative मुझे लेना पड़ेगा, derivative of 3x plus 2, derivative of 3x 3, derivative of 2 0, derivative of 5 is also 0, last में answer is just 1 upon 2 root of e to the power 3x plus 2 plus 5, 3 पहले लिख रहा हूं, 3 e raised to power 3x plus 2, बाकी तो सभी 0 है। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, log tan x / 2, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। y equal to log tan x / 2, y equal to log tan x / 2, अभी मैंने कल के वीडियो में स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उसमें log f(x) का फार्मूला आया हमारा, डेरिवेटिव ऑफ log f(x) क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ log f(x) क्या आता है, 1 / f(x) into derivative of f(x),
ठीक है, तो सेम लिखना है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. मार्क दिस एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. dy / dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log tan x / 2, डेरिवेटिव ऑफ log tan x / 2. तो डेरिवेटिव ऑफ log f of x क्या आता है स्टूडेंट, क्या आता है 1 upon f of x, यानी 1 upon tan x / 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x. तो डेरिवेटिव ऑफ tan x / 2, तो देखो स्टूडेंट 1 upon tan को मैं ऐसे लिख सकता हूं sin x / 2 upon cos x / 2, देख सकता हूं ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec square x, लेकिन यहां पे x / 2 है तो क्या आएगा sec square x / 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x में x / 2 है तो उसका भी मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x / 2 1 तो नहीं आता. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये हो गया, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं कि आएगा cos x / 2 upon sin x / 2 sec square x / 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sec का रिलेशन cos के साथ रहता है तो sec square x / 2 को मैं 1 upon cos square x / 2 लिख सकता हूं स्टूडेंट, लिख सकता हूं. और डेरिवेटिव ऑफ x / 2, 1 by 2 तो कांस्टेंट नंबर है, वो डेरिवेटिव के पहले आ जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता है तो मैं 1 by 2 लिख सकता हूं यहां पे. देखो अभी dy / dx cos x / 2 और एक cos x / 2 कैंसिल, क्या बचेगा यहां पे 1 upon, ये 2 मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, 1 upon 2 sin x / 2 into cos x / 2 ये आ गया. अभी स्टूडेंट्स ये तो फार्मूला है, ये तो जब तक आप फार्मूले लर्न नहीं करोगे तब तक एग्जांपल में समझ में नहीं आएंगे. फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले 11 के लर्न कर लो. 1 upon 2 sin x into cos x क्या होता है, sin 2x होता है, ये दो फार्मूले, एक sin x का फार्मूला बता रहा हूं मैं, ये आता है स्टूडेंट 2 sin x / 2 into cos x / 2. ओके, तो ये वही है 2 sin x / 2 into cos x / 2, क्या आता है sin x आता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं therefore dy / dx equal to 1 upon 2 sin x / 2 into cos x / 2 का फार्मूला sin x, 1 upon sin x क्या आता है स्टूडेंट cosec x आता है, तो इस एग्जांपल का डेरिवेटिव क्या आ गया cosec x आ गया. ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ मैं आज का वीडियो स्टॉप कर रहा हूं, 3 के बाद के क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक, कुछ एग्जांपल नहीं समझ में आया मुझे, देन मुझे आप पूछ सकते हो, लेकिन फार्मूला पहले लर्न कर लो. आपको फार्मूला अगर लर्न नहीं है तो डिफिकल्टी जा सकती है, इसलिए फार्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लो, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स. थैंक यू.